दादी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। हाँ छोरा, हम सबको भी उसकी बहुत याद आ रही है। उसके बिना जीने की आदत ही ना है। दादी, मम्मी ऐसे अचानक क्यों चले गए? ऐसे मुझे लगता है मुझसे नाराज होकर चले गई। मैं हमेशा उन्हें तंग करता था ना, उनकी कोई भी बात नहीं मानता था, हमेशा मस्ती करता था। दादी, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, एक गुड बॉय बनकर बताऊंगा। बस एक बार मम्मी वापस आ जाए। आ जाएगी छोरा, जरूर वापस आएगी। जिन हालात में वो होगी उन हालात से लड़कर वापस आएगी। क्योंकि बेटा, एक औरत तो हिम्मत हार सके, लेकिन एक माँ कभी हिम्मत नहीं हारती। हमारी आवाज उस तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन तेरी आवाज जरूर उस तक पहुंचेगी। देख लेना छोरा, वो तेरे खातिर जरूर वापस आएगी। मम्मी अब जहां गई मियो, रख ख्याल रखना। आपको पता है मैंने इच्छा से भी कहा है आपको ढूंढ के लाने के लिए, क्योंकि जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां इच्छा पहुंच सकती है। वो आपको जरूर ढूंढ के लाएगी, जरूर ढूंढ के लाएगी। सातपुड़ा का जंगल, सरपेश ने तो यही जगह बताई थी। ममता दीदी यहीं कहीं होनी चाहिए, लेकिन इतने घने जंगल में ममता दीदी को ढूंढना यानी। लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा, पप्पू को वादा जो किया है। ये तो ममता दीदी की चूड़ी है। एक और चूड़ी, यानी ममता दीदी आस पास है। अरे भाई बात सुनो, मैं दादी से बात करूंगा, घर पे आपकी पसंद का खाना बनेगा, लेकिन ये वाला सिलेंडर ना आप दादी को वापस कर दो। अरे छोटे, अरे भूल गया तू क्या? ये रसोई वाला सिलेंडर ना है, दवाई वाला सिलेंडर है, और हम यहाँ बब्बल को छुड़ाने आए हैं। तू किताब में लिखता ना है क्या आजकल? भाई लिखता हूँ, एक एक चीज लिखता हूँ, लेकिन पढ़ना भूल जाता हूँ मैं। अरे अंदर मत भूल जाइए, घड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। चल अब, और ये पहन ले चश्मे और मास्क, चल आ जा। सलाम साहब। अरे 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 अरे, कौन हो तुम लोग और बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? अरे भाई, आपने जो मुझे बाहर समझाया था मुझे सब याद है, ये उल्टे सीधे सवाल पूछ के मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहा है? चुप कर छोटे जी, हम वो दवाई छिड़कने आए। अरे यहाँ कोई पेस्ट कंट्रोल नहीं कराना है। टेस्ट? नाना, आपको टेस्ट करने की जरूरत ना है, ये तो मच्छर और खटमल टेस्ट करेंगे। अरे मैं टेस्ट नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पेस्ट की। ओ गेस्ट। अरे छोटे, ये हमें गेस्ट समझ रहे हैं इसीलिए हमारी खातिरदारी करना चाह रहे हैं। बड़े अच्छे आदमी है इंस्पेक्टर साहब। अरे अगर ये इतने अच्छे आदमी है तो बब्बल को अंदर करने की बेवकूफी कैसे करी इन्होंने? क्या कहा तुम लोगों ने? बब्बल? क्या लगते हो तुम लोग बब्बल के? छोटे बटन दबाओ। अरे अरे अरे, पकड़ो पकड़ो इसको।
ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। बच्चा, अरे अब बच्चा बनने का कोई फायदा ना है, भुगतो। बटन दो। डर गया। मैं तुम लोगों को अंदर कर दूंगा। बहुत छोटे। अरे बबाल, उठ जा भाई, घर जाके आराम से सो जाना। चल ये देखो, ये भी सो गया। अरे हमारे घर में एक मैं ही हूं जिसे बेवक्त नींद ना आती। मत मारो उसे, छोड़ दो। चुप, एकदम चुप। बोल और सच बोल। क्या नाम है तेरा? कहां से आई है तू? रोहतक से लेके कुताना गांव से। मैंने कहा ना, सच बोल। कहां की इच्छाधारी नागिन है तू? नागिस्तान की है ना? बता कहां है नागिस्तान? कौन इच्छाधारी नागिन, कैसे नागिस्तान, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सुना था नागिस्तान के नाग असूलों के बड़े पक्के होते हैं, लेकिन कोई भी असूल जान से बड़ा नहीं होता। आज या तो फिर तू वो बोलेगी जो मैं सुनना चाहती हूँ, या फिर हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। एक ही बात में तेरी विश्वक्रांति बाहर। अमृता, मेरा विश्वास करो, तुम क्या बोल रही हो मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम उसे चाहती क्या हो? नागिस्तान का पता बता। विशैली, एक लड़की हमारी गुफा की तरफ बढ़ रही है और उसके साथ सैकड़ों नाग हैं। लगता है वो हमें खत्म करने के अभियान पर निकले। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, हमें हमारा ठिकाना बदलना होगा। चल। दीदी, ये इच्छा कहीं मुझे शंकर के साथ देख ना ले। तो ये इच्छा इच्छाधारी नागिन है।